Now we will discuss our next topic. Topic is healthcare and equality. Okay, this is our lecture number 2, part 2. So let's start. Yes, healthcare and equality. So is adequate healthcare available to all? In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. अब इंडिया में ऐसी सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ रहा है जहाँ पर प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, जबकि पब्लिक सर्विसेज हैं वो उनमें ऐसा नहीं हो रहा है. व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. सो ऐसी सिचुएशन में लोगों को मुख्यतः प्राइवेट सर्विसेज ही प्रोवाइड हो पाती हैं. सो दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर हाई, और साथ ही साथ जो ये प्राइवेट सर्विसेज होती हैं इनकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है. एंड मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी वेन देर इज एन इलनेस इन द फैमिली. और बहुत से लोग तो इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, और अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उनको इलाज कराने के लिए मनी बोरो करनी पड़ती है, यानी मनी उधार लेनी पड़ती है. सो सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर, और कुछ प्राइवेट सर्विसेज अधिक कमाने के लिए ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं होते. एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स टू अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड. तो कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते, नहीं उनके प्रयोग ही नहीं किए जा सकते हैं. सस्ते मतलब कि यहाँ पर इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स होते हैं पर उनको वो यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जांपल, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लूअस मेडिसिन इंजेक्शंस और स्लाइन व्हेन सिंपल मेडिसिन में सफेद. तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे कि प्राय ये देखा जाता है कि कुछ जो आपके क्या होते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो वो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ इंजेक्शंस या सिलाई आदि को की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त तो हो सकता है. सो इनफैक्ट ब्योरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसन्स दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस. सो मेन जो है इनफैक्ट ये है कि जो पॉपुलेशन के 20% लोग ही बीमारी के दौरान इन मेडिसन्स को खरीदने में क्या क्या होते हैं खरीदने के लिए वो कैपेबल होते हैं, वे अफोर्ड कर पाते हैं इन सभी मेडिसन्स को. So hence even for those whom one might be think as being poor, medical expenses cause hardship. So it was reported in a study that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for the expenses. So वे लोग यहाँ पर क्या है, वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते वो मेडिसिन से रिलेटेड दवा संबंधी जो जो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उनको उठाने में कठिनाइयों को अनुभव करते हैं. और एक स्टडी में तो ये पाया गया है कि जो लोग हॉस्पिटल्स में किसी बीमारी की वजह से या इंजरी के कारण एडमिट होते हैं तो उनमें से 40% लोग उन खर्चों को उन एक्सपेंडिचर का की पेमेंट करने के लिए पैसा उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति अपनी कुछ एसेट्स बेच देते हैं. सो फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज कॉज ऑफ ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस. सो गरीब लोगों के लिए फैमिली में हर बीमारी चिंता या मुसीबत का कारण बन जाती है. So what is wrong is that this situation tends to happen again and again. So इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी सिचुएशन बार बार आती है. And those who are poor are in first place undernourished and these families are not eating as much as they should.
गरीब लोग पहले ही वो अंडर नरिश होते हैं, उनको पोषण की कमी का शिकार होते हैं, और ये फैमिलीज उतना भोजन भी नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। तो दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स एक्सेट्रा, एंड देयर फोर आर मोर लाइकली टू फॉल इल। सो द एक्सपेंसिज ऑन इलनेस मेक दे सिचुएशन इवन वर्स। सो अब वो यहाँ पर आप देखिए कि कितनी कैसी सिचुएशंस हैं उनकी, कि एक तो गरीब इंसान जो है, एक वो पहले ही उसको वो भोजन भी फूड भी वो नहीं खा पाते हैं जितना उनको खाना चाहिए, और उन्हें अपनी लाइफ की जो जो उनकी क्या होती हैं, हमारी लाइफ की जो नेसेसिटीज होती हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पीने का पानी हो गया घर के लिए, अच्छा उसके बाद और क्या है, एडिक्वेट हाउसिंग है, रहने के लिए घर है, ठीक है, और उस मतलब जो घर के लिए आपको एक पर्याप्त जगह चाहिए, अच्छा आपको क्लीन सराउंडिंग जो वातावरण है वो साफ, वो भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है, और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है, और बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। So sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. और यहाँ पर कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है, कि हम ये कहें कि मनी की वजह से ही लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं। Women, for example, are not taken to doctor in a proper manner. अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें महिलाओं का, तो महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, एंड वीमेंस हेल्थ कंसर्न्स आर कंसीडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इज इन द फैमिली। तो कई जो होती हैं, कई आदिवासी जो एरियाज होते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर जो कई सारे जो ट्राइबल्स, सॉरी वीमेन हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर टू बी लेस इम्पोर्टेंट दैन द हेल्थ इन द मैन इन द फैमिली। और यहाँ पर क्या होता है कि आप कई बार देखते हो कि फैमिलीज के अंदर ना जो जो क्या होते हैं, जो आदमी होते हैं, ठीक है, जो पुरुष होते हैं, उनकी हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कंपेरेटिवली किसके, वीमेंस के, ठीक है, उनकी हेल्थ को इतना उनको कंसर्न नहीं किया जाता है जितना एक फैमिली में एक मैन के हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सो मैनी ट्राइबल्स एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट टर्न डू नॉट रन प्रॉपरली, इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। सो कई जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो कम हैं, और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, तो वहाँ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइडेड अवेलेबल नहीं है। सो यस, यू कैन सी दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। यस, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। सो क्या किया जा सकते हैं। सो देयर इज लिटिल डाउट that the health situation of most people in our country is not good, and it is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. So ab yahan par keh rahe hain ki isme dekho, there is a little doubt, yahan par na इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी कंट्री में लोगों की हेल्थ की जो सिचुएशन है, ठीक है, जो हेल्थ सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सब सिटीजन्स को, विशेषकर जिसमें क्या आते हैं जो गरीब होते हैं, गरीबों और जो सुविधाहीन लोग हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, पुअर हैं, और जो डिसएडवांटेज यानी जिनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जो सुविधाहीन लोग होते हैं, और उनको गुणात्मक स्वास्थ्य सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज उनको दें। सो हाउएवर हेल्थ इज एज
much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. तो फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उन पर और उनकी जो सोशल सिचुएशन है उस पर डिपेंड है, उतना ही हेल्थ सर्विसेज के ऊपर भी है. तो हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आर पीपल एंड दिस कैन बी डन. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो आप वो कह रहे हैं इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है, ऐसा करना संभव भी है. तो हम अभी एक एग्जांपल देखें यहाँ पर, द केरला एक्सपीरियंस. यस, इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट. 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत. तो यहाँ पर 1996 में जो केरल गवर्नमेंट है उसने स्टेट में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए. ओके, एंड उसमें इसमें पंचायतें जो हैं इसमें क्या होगा, स्टेट के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया गया. एंड दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर requirements. So this made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. So यहाँ पर अब 40% जो है जितना उनका स्टेट का पूरा बजट है उसका 40% पंचायतों को दिया गया और इससे पंचायतें जो हैं वो अपनी जो आवश्यकताओं को क्या करेगी, प्लान बनाएगी पहले तो प्लानिंग के साथ, ठीक है, उनको प्लान कर उनकी सप्लाई कर सकती थी. तो इससे रूरल एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ठीक है, फूड हो गया, ठीक है, भोजन है और साथ ही जो औरतें हैं औरतों के विकास और एजुकेशन आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका. सो दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वॉज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप. तो इसके फलस्वरूप जो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम जो थी, ठीक है, जो वाटर सप्लाई स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी तो उसकी जाँच की गई, स्कूलों और जो आंगनवाड़ी हैं उनके काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की जो की जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, विशेष समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दिया गया. एंड हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड. हेल्थ सेंटर्स को भी क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया. सो ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन. तो इन सब कार्यों ने जो सिचुएशंस थी उसमें इम्प्रूवमेंट की. And despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital bed, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. तो यहाँ पर जैसे इनके जो ये प्रयत्न थे इनके बाद भी कुछ समस्याएं तो जो कुछ problems थी ना वो तो बनी रही, जैसे medicines की कमी. ओके, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स थे, नॉट इनफ डॉक्टरों की कमी थी यहाँ पर, ठीक है, डॉक्टर जान नहीं थे. सो एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस. ओके, तो ये सब देखे गए. तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी मतलब कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो बनी हुई थी यहाँ पर. सो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है. And these needed to address. And for more detail, so let us look at an example of another country and its approach to issue of health. अब हम एक और country का example देखेंगे और उसमें जो health यहाँ पर किससे related, जो health के जो issues हैं उनसे related उनके यहाँ पर इस example में देखेंगे जो उसके approach है वो. So ये है हमारे पास. Yes, कोस्टा रिका
अप्रोच, कोस्टा रिका का तरीका. यस, कोस्टा रिका इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका. जो कोस्टा रिका है वो सेंट्रल सेंट्रल अमेरिका का सबसे सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री माना जाता है. एंड द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन. सो और इसका मेन कारण क्या है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इसका होना. ओके, एंड सेवरल इयर्स एगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस अ डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी. कई साल पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था कि वे कंट्री में आर्मी नहीं रखेंगे. एंड दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड. इससे उन्हें जो आर्मी पर स्पेंड होता था, जो एक्सपेंडिचर किए जाने वाली मनी थी, उनको लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और जितनी उनकी दूसरी जो नेसेसिटी गुड्स नेसेसिटीज थी उन पर खर्च करने में उनको मदद मिली. क्योंकि जब उन्होंने आर्मी नहीं रखेंगे तो आर्मी के ऊपर इतना स्पेंड होता था, तो जितने भी ये सारा खर्चा था, सो दिस हैड टू कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव टू यूज ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल. तो उनके ऊपर खर्चा किया गया. सो द कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द कंट्री हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल. सो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट मानती है कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कंट्री का क्या होना जरूरी है, हेल्दी होना जरूरी है. और इसीलिए अपने जो देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है. एंड द कोस्टा रिका गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स. फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, नरिशंस एंड हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग. हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल. तो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट अपने सभी जो सिटीजन्स, अपने सभी जो निवासी हैं, उनकी हेल्थ के लिए जो नेसेसिटी सर्विसेज हैं, नेसेसिटी उनके जो बेसिक उनकी नेसेसिटीज़ हैं, उनके फैसे उनको वो प्रोवाइड दे करवाती हैं. जैसे क्या हो गया, जैसे पीने का, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ओके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गई है यहाँ पर. साथ ही सैनिटेशन, सफाई, ओके, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, ठीक है, पोषण और आवास. उसके साथ साथ ये क्या करती हैं, जो हेल्थ, यस, हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर. जो हेल्थ एजुकेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है. और सभी लेवल्स पर जो सभी लेवल्स पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ दिस हमने यहाँ पर इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. ओके, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ी हैं. तो हमने देखा कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर चलाई जाती हैं, जबकि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं वो प्राइवेट ओनरशिप होती हैं. ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.